हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे और लगातार अपनी वीडियोस लगातार देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। और हो सकता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरी उम्मीद है कि मैं आप लोगों की डाउट्स को क्लियर कर पा रहा हूँ। तो इसी तरह इसी सीरीज़ में आज मैं लेकर आया हूँ दिल्ली, सोना, नूह, जिरका और अलवर। तो ये पूरी मेवात की लाइन है, मेवात के एरिया से होते हुए। नूह का नाम तो आपने सुना ही होगा, पूरे देश में नूह की बात उठी थी, जो अभी कम्युनल वायलेंस हुआ था। तो उस एरिया से ये रेलवे लाइन निकलेगी और इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह क्या है, कैसे है सर्वे की, मैं आपको डिटेल में थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये लगभग 50 साल पुराने डिमांड है। 2013 में भी इसके सर्वे की डिमांड उठी थी, 2014 में भी डिमांड उठी थी। तो उस हिसाब से इस पर उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन अब 2022 में जाकर, यानी कि पिछले साल जाके, इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनके शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन एरिया में पड़ता है, तो उनकी वजह से ये सर्वे स्टार्ट हुआ है। सर्वे का काम दिया है पुणे की कंपनी को, जो कि फ़िलहाल इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रही है। इसमें कितने स्टेशन होंगे, इसमें क्या होगा, लगभग 104 किलोमीटर की रेलवे लाइन होगी। थोड़ा इनिशियल जो डिटेल्स आई हैं मेरे पास में, 104 किलोमीटर की रेलवे लाइन होगी, दिल्ली सोहना नू फिरोजपुर जिरका और अलवर होकर, ठीक है। तो उसके बाद इसमें लगभग 13 स्टेशन होंगे। 13 स्टेशन के साथ साथ में इसमें लगभग 50 छोटे बड़े पुल इसमें सारे बनाए जाएंगे। और लगभग ये सबसे इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो भी लाइन है, इसमें ज़्यादातर जो मतलब आवाजाही होगी वो मालगाड़ियों की होगी। मालगाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि दिल्ली से सीधा अलवर एक रेलवे लाइन होने से मेवात के लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा, उनके बिजनेस को भी फ़ायदा मिलेगा। वो सारे सीधा दिल्ली मुंबई से सीधा जुड़ जाएंगे, क्योंकि अलवर वाला रूट सीधा मुंबई और इधर आप सीधा दिल्ली से जुड़ जाते हैं, तो इससे व्यापार को सीधा सीधा फ़ायदा मिलता है। नूह जो मेवात के लोग हैं, उनको सीधा फ़ायदा ये मिलेगा कि दिल्ली जाकर व्यापार कर सकते हैं या फिर वहाँ से कुछ मंगा सकते हैं। और इनकी एक कनेक्टिविटी पंजाब की भी हो जाएगी, तो पंजाब से भी इनकी कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहेगी। फिलहाल इसके सर्वे चल रहा है, सर्वे के लिए इसको 68 लाख के आसपास में इसको अलॉट हुआ था, लेकिन फिलहाल अभी के बजट में, रेलवे लाइन के बजट में, इसको टोकन मनी के रूप में 1,000 रुपये अलॉट किए हैं। पिंक बुक में ये रूट ऑलरेडी अलॉटेड है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसलिए इसकी प्रोग्रेस अभी सीधा HRIDC देख रहा है, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट और दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे इसको सीधा देख रहा है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, जो इनिशियल है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या आता है वो आपको बहुत जल्दी रेल बुलेटिन के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इस लाइन पर अभी ऐसी कोई खास डिटेल बाकी बची नहीं है, लेकिन जितना भी हो सकता है उस बारे में आपको स्पेशली इस बारे में डिटेल भी दे दी जाएगी। और लगातार मेरे पास काफ़ी डिमांड्स आ रही हैं। मेरे पास अभी करंटली 16 डिमांड्स हैं, 16 में से हम 6 पूरी कर पाए हैं, और लगातार डेली वीडियो डालकर आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि आज ये रेल बुलेटिन है और ये रेल बुलेटिन है। आपकी डिमांड्स भी लगातार देखी जा रही हैं, आप कमेंट्स करते रहिएगा, मैं लगातार नोटिस करता रहूँगा, टीम लगातार नोटिस करती रहेगी। और इसी के साथ में मैं रेल विकी की भी एक सीरीज़, हो सकता है अगले हफ्ते आ जाए, रेल विकी जो हमारी न्यू सीरीज़ होगी उसकी एक वीडियो अगले हफ्ते आने वाली है। तो लगातार चैनल पर आप बने रहिएगा। और दिल्ली सोहना नू और हिसार अग्रोहा फतेहाबाद ऊना हमीरपुर, ये सब जो है, इसमें आप लगातार हमारे साथ इस तरह के रेल बुलेटिन में बने रहिएगा। ज़रूरी नहीं है मैं दिल्ली हरियाणा ऑल ओवर इंडिया में कवर कर रहा हूँ, सभी के रेल बुलेटिन्स ले रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल नॉर्दर्न रेलवे में इतने रेल बुलेटिन्स हैं कि सभी को कवर करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप लगातार बने रहिएगा, सर हर एक प्रोजेक्ट पर अपडेट आएगी। चलिए, सभी अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।